नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कट ऑफ के साथ साथ में 2017 और 2022 का जो है हम कंपैरिजन करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं 2017 के मुकाबले 2022 में। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे वीडियो। आप लाइक कर दीजिए और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2017 और 2022 का जो है हम कंपैरिजन करेंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है, जो लोग एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम हो गया है, प्लीज़ से जो है अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे एक बार सभी, किस कैटेगरी से है, किस दिन आपका एग्ज़ाम था, प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा। गाइस, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करेंगे, है ना। वैकेंसी की बात करेंगे हम 2017 के मुकाबले और 2022 में क्या है। गाइस, 2017 की बात करें तो वैकेंसी लगभग थी, यहाँ पे वैकेंसी की बात करें हम, लगभग थी 14,000 वैकेंसियाँ थी 2017 में। अब 2022 में बात करें तो पहले थी दोस्तों यहाँ पर 4,000 वैकेंसी, है ना, पहले थी 4,000, फिर इसमें जो है गृह मंत्रालय द्वारा 2,000 वैकेंसी और ऐड कर दी गई, तो 2,000 वैकेंसी और ऐड कर दी गई, कुल मिलाकर हो गई अब 6,000 वैकेंसी। फिर भी जो है 2017 के मुकाबले आधी ही वैकेंसी है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर जो है पिछले बार के मुकाबले कम ही जाएगी। भले यहाँ पर जो है जो सीट्स यहाँ पर कम है, वैकेंसी कम है, लेकिन थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी पिछले बार के मुकाबले। क्यों जाएगी सभी हम बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कट ऑफ को जो है जो नीचे गिराएंगे इस बार, तो क्या फैक्टर्स है सभी बताते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपको पहला फैक्टर बताते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। गाइस, पहला फैक्टर है यहाँ पर कोविड। कोविड पहला फैक्टर है, कोविड जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है। 2022 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, 2022 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। कोविड कोविड बहुत ही बड़ा फैक्टर है। कोविड के कारण जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, ट्रैवलिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है कोविड के कारण। और दूसरा फैक्टर की बात करें हम, दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो गाइस दूसरा फैक्टर है हमारा यहाँ पे पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल जो है इस बार जो है टफ़ आ रहा है, हार्ड लेवल आ रहा है पेपर का 2017 के मुकाबले। और 2017 की बात करें तो यहाँ पर ना कोविड था, ना पेपर का लेवल हार्ड था, सब मतलब इजी टू मॉडरेट ही आ रहा था 2017 में पेपर। और यहाँ पर जो है दोस्तों तीसरा फैक्टर हम देखेंगे जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चन सेट किए हैं गए हैं इस बार। इस बार दोस्तों जो है थर्ड फैक्टर देखेंगे हम, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा ऐड किए गए हैं, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर जो 2 घंटे में मिल रहा है कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम में, वह भी हमें कम पड़ रहा है। तो तीसरा फैक्टर यही है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, मतलब कैलकुलेटिव जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेटिव समय लग रहा है उन्हें सॉल्व करने में। तो तीन फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि कट ऑफ में बहुत बड़ा जो है अहम भूमिका अपनी निभाते हैं, रोल निभाते हैं अपना। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 2017 में फिज़िकल कट ऑफ क्या गई थी। तो 2017 की फिज़िकल कट ऑफ, यहाँ पर सिर्फ फिज़िकल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों यूआर कैंडिडेट 2017 में जो यूआर कैंडिडेट थे उनका जो है लगभग 70 नंबर पे जो है शॉर्ट लिस्ट हो गया था फिज़िकल के लिए नेम। और यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट का हो गया था 67 नंबर पर शॉर्ट लिस्ट नेम हो गया था फिज़िकल के लिए। और इसी के साथ बात करेंगे एससी कैटेगरी में जो है हो गया था यहाँ पर 56 नंबर पर शॉर्टलिस्ट हो गया था नेम जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनका, और 49 पर हो गया था एसटी कैंडिडेट का जो है 49 पर जो है फिज़िकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था नेम। और अब 2022 का यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है निकालने वाले हैं, थोड़ा अनुमान लगाने वाले हैं फिज़िकल के लिए, सिर्फ फिज़िकल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, फिज़िकल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं 2022 का। तो यहाँ पर हम जो है यूआर कैटेगरी की बात करें 2022 में, तो ये जा सकता है 68 टू 70, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो 68 टू 70 फिज़िकल के लिए जा सकता है यूआर कैंडिडेट्स का, है ना। ओबीसी की बात करेंगे हम, गाइस ओबीसी का जा सकता है यहाँ पे फिज़िकल के लिए लगभग जो है 65 टू 67 कर देते हैं, इतना जा सकता है फिज़िकल का ओबीसी के लिए, है ना।
और यहाँ पर फिर बात करेंगे हम एससी, एससी का क्या जाएगा इस बार, एससी का, यहाँ एससी की बात करें तो जो 62 जा सकता है, 60 से लेकर 62, मतलब 60 से लेकर 62 तक। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, फीमेल का जो है इनसे आप 3-4 नंबर कम कर लीजिए, फीमेल का ज़्यादा कम नहीं होता है बॉयज़ से, 3-4 नंबर ही का अंतर होता है। और यहाँ पर फिर एसटी, एसटी की बात करेंगे तो एसटी का जा सकता है, यहाँ पे एसटी का जा सकता है जो एसटी बॉयज़ है, 50+ में सेफ है इस बार, जो है फिज़िकल के लिए 50+ यहाँ पर अच्छा स्कोर है एसटी बॉयज़ के लिए। अब यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे हम, ये तो रहा बॉयज़ का कट ऑफ, तो इसी में फीमेल की बात करेंगे तो इसमें जो है 2017 में बहुत ही कम गया था, 46 गया था फीमेल का। इसके बाद जो है इसमें 62 गया था फीमेल का ओबीसी का फिजिकल, और एससी गर्ल की बात करें तो 55 लगभग गया था, और एसटी, एसटी में गया था लगभग, यहाँ पर जो गया था, यहाँ पर जो गया था लगभग गया था अपना ये लगभग 45 के आसपास गया था गर्ल का। और इसके बाद जो है इसमें भी आप 2022 में देख सकते हैं ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, हालांकि यूआर गर्ल्स का कम ही जाएगा कट ऑफ, इस बार भी 50 के अराउंड रहने वाला है इस बार। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको पूरी डिटेल समझाया, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सो गाइस, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।